करगिल में शहीद हुए एक कैप्टन भारत माता के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जब कैप्टन की पत्नी को दिल्ली बुलाया गया परमवीर चक्र के लिए, उस कैप्टन का बच्चा 7-8 साल की उम्र का था। मम्मी को जैसे ही वो पुरस्कार मिला, उसकी मां रोने लग गई, उसकी मां के आंखों में आंसू आ गए कैप्टन साहब को याद करके। तब उस बेटे ने मां को दूर से यूं कहा, हे मां। वो फोटो अखबार में आ गई। वो बेटा उस मां को चुप करा रहा था, उसकी मां रो रही थी। फोटो अखबार में आए तो कवि की एक कल्पना, उस बच्चे ने उस मां से कहा, हे मां मत रो, मां तू मत रो, मैं धनुष बाण श्री राम से लेकर, मां मत रो, मैं धनुष बाण श्री राम से लेकर चक्र कन्हैया से लूंगा, अब सीमा पर जाके मैं भी दुश्मन से टक्कर लूंगा, अब सीमा पर जाकर मैं भी दुश्मन से टक्कर लूंगा, मैं धनुष बाण श्री राम से लेकर, धनुष बाण श्री राम से लेकर चक्र कन्हैया से लूंगा, अब सीमा पर जाकर मैं भी दुश्मन से टक्कर लूंगा, अब सीमा पर जाकर मैं भी दुश्मन से टक्कर लूंगा। बच्चा अपनी मां से कहने लगा, ए मां तू मत रो, तू क्यों रोती है। मित्रों देखिए, एक छोटा सा बच्चा, उसकी भावना क्या। उसकी मां से कहने लगा, हे मां पापा हुए शहीद सुना है, पापा हुए शहीद सुना है, चिंता मत करना मम्मी, पापा हुए शहीद सुना है, चिंता मत करना मम्मी, मेरे होते किस बात से बिल्कुल तू मत डरना कभी मम्मी, मेरे होते किसी बात से बिल्कुल ना डरना मम्मी, हे मम्मी मैं तेरा बेटा जिंदा हूं, पापा सभी शहीद हो गए मैंने सुना है, मगर तू उस बात की चिंता मत कर मम्मी, मैं तेरे साथ हूं, तू किसी बात की चिंता मत करना, क्योंकि देश के दुश्मन मार के मैं, मम्मी देश के दुश्मन मार के मैं पापा का बदला ले लूंगा, अब सीमा पर जाकर मैं दुश्मन से टक्कर लूंगा, अब सीमा पर जाकर मैं दुश्मन से टक्कर लूंगा। बच्चे ने कहा, मां तू अगर रोएगी, तू अगर रोएगी तो पापा की आत्मा दुख पाएगी, मत रो, क्योंकि हे मां मैं तेरा लाल, मैं दुश्मनों से बदला लूंगा, और अगर तू ऐसे रोती रही तो पापा ने भारत मां की सेवा कर पुण्य कमाया है, पापा ने भारत मां की सेवा कर पुण्य कमाया है, जो कर्जा था सर पर उसके उसको आज चुकाया है, जो कर्जा था सर पर उनके उसको आज चुकाया है। मम्मी पापा ने तो
इस देश का कर्जा चुकाया। मित्रों हम भी इस देश का नमक खाते हैं, इस देश के हित की बात करनी चाहिए। देश के बारे में कोई गलत बोले तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, क्योंकि एक हमको जन्म देती है वो मां, एक जो हमको अमृत पिलाती है गौ मां, और एक जिस पर हम रहते हैं वो हमारी भारत मां धरती मां। उसकी कद्र करते हुए उस बच्चे के भाव देखिएगा, उसने कहा मम्मी पापा ने तो अपना कर्ज चुकाया। पापा ने भारत मां की सेवा कर पुण्य कमाया है, जो कर चाहता जो कर जाता सर पर उनके उसको आज चुकाया है, जो कर जाता उनके सर पर मुझको आज चुकाया है। और मम्मी मौका मिला तो मां चरणों में, अरे मौका मिला तो देश के लिए मस्तक में कटवा दूंगा, अब सीमा पर जाकर उस सब से पग कर लूंगा, अब सीमा पर जाकर एक बार भारत माता के लाल ताली के साथ सभी सेवा ने बोल भारत माता की। देश में बहुजी, जिस देश में शहीदों की शहादत को भुला दिया जाता है, जिस देश में शहीदों को भुला दिया जाता है उस देश के बर्बादी के दिन शुरू हो जाते हैं, जिस देश में शहीदों को भुला दिया जाता है। मित्रों आज अगर शहीदों की शहादत को भुला दें तो उससे बड़ी बुरी कोई बात नहीं होती। मित्रों आज भगत सिंह की रस्सी को भुला दिया गया और सचिन के छक्के याद है, भगत सिंह की रस्सी को भुला दिया गया, सचिन के छक्के याद है, धोनी के चौके याद है। आज अपनी सरकार अगर एक एक शहीदों के नाम पर कुछ ऐसा कर जाती कि शहीद अमर हो जाते, मगर नहीं, कुछ शहीदों को तो कुछ नेताओं ने आतंकवादी भी बता दिया गया कि वो आतंकवादी थे, मगर उन्होंने हंसते हंसते अपने भारत के लिए जान कुर्बान कर दी। उन शहीदों को सलाम जिनकी वजह से हम यहां शांति से बैठे। आपको पता है भारत के चारों तरफ खतरा, सभी घुसपैठिए कहीं से भी घुस जाते हैं, भारत पर बार बार आक्रमण करते हैं, मगर हमारे देश के नौजवान कुछ ज्यादा तनख्वाह नहीं होती है, कुछ नेताओं की तो लाखों करोड़ों लाखों लाखों रुपए तनख्वाह होती है, मगर जब संसद पर हमला होता है ना तब लाखों रुपए कमाने वाला एक मेज के नीचे छुपता है और 10-20 हजार कमाने वाला उन नेताओं की हिफाजत करता है बंदूक लेकर। वो भारत के वीर जवान होते हैं जो 0 डिग्री नीचे भी भारत की सेवा करने के लिए सीमाओं पर तत्पर हैं, मगर कुछ नेताओं ने राजनीति पॉलिटिक्स बना के कुछ शहीदों को आतंकवादी घोषित कर दिया और कुछ शहीद हो गए 2-5 लाख देके निपटारा करवा दिया। नहीं, शहीदों को अगर याद नहीं रखोगे तो ये मातृभूमि उन्हें धिक्कार देगी, मातृभूमि तुम्हें धिक्कारेगी। मित्रों उस बच्चे की भावना देखेगा, उस बच्चे ने कहा मां तू मत रो, क्योंकि हे मां मैं शेर का बच्चा हूं, मेरे पापा शेर थे, मैं उनका बच्चा हूं, शेर हूं, और मेरी एक बात हुई। उस बच्चे की भावना कल्पना देखेगा, अपनी मां से रोते हुए कहने लगा मां